इस धारावाहिक के सभी पात्र घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। ओ साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। देर से अजनबी से कराए जो मेल। हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से चलें सर। चलो, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। यस सर। पता शिवानी, कौन है ये यश और क्या रिश्ता है तेरा उससे?
अरे क्या फायदा हुआ तुम्हारे साथ दोस्ती करने का? इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते कि ससुरा गौरव वर्मा गया तो गया का? भाई जी, दरअसल डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता कि वो कहां है और क्या कर रहा है। इस वक्त हमारे खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा होगा। ससुरा हर गलत धंधे में हमने अपनी टांग फंसा के रखी है और जो भी फाइल खोलेगा उसमें हमारी स्टैंप आएगा। वो अब काम धंधा तो बंद नहीं कर सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा। और सुना कि ये रेलवे बोर्ड जो है उस गौरव वर्मा की मदद कर रहा है। हाँ, काफी फेर बदल हुई है नियमों में। आपने ठीक सुना है भाई जी, कुछ ही दिनों में वो आरपीएफ का सबसे पावरफुल ऑफिसर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। बॉस का फोन। हाँ जी बॉस। भाई जी, अगर छोटे छोटे कामों के लिए हमें तुम्हें इतने फोन करने पड़ेंगे तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? बॉस वो आदमी नहीं जिन इतना टॉर्चर किसी लाश के साथ किया होता तो ससुरी वो भी मुंह खोल देती, लेकिन ये ससुरा मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं। अब हम इतना टॉर्चर तो नहीं कर सकते कि वो मर जाए। एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। अगर एक हफ्ते में वो नहीं बोला तो तुम हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। बॉस, मेरी बात सुनी। बॉस, बॉस, तुम सब पुलिस वाले मुझे मरवाओगे, सब के सब। यहां उस गौरव वर्मा का पता नहीं लगवा पा रहे हो और वहां वो ससुरा इंस्पेक्टर उसका मुंह नहीं खुलवा पा रहा। सब के सब मरवाओगे मुझे। हाँ बॉस। बोला नहीं। एक हफ्ता है मेरे पास, और अगर उसने अपनी जुबान नहीं खोली तो तुम्हारी ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बॉस के प्लेट में रोस्टेड चिकन बनकर पड़ी होगी और तुम लोग को सोने के अंडे की जगह मिलेगी मेरी हड्डियां, जो बॉस तुम लोग को कुत्ता समझकर तुम्हारे सामने डाल देगा, समझे? अरे बाप रे बाप, इतना लंबा डायलॉग। देखो भैया, कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही सफलता हाथ लगेगी आपको सूचना दे देंगे, और अगर एक हफ्ते तक इसने मुंह नहीं खोला तो हम आपकी हड्डियों को गंगा जी में प्रवाहित करने का पूरा प्रबंध कर देंगे। नमस्ते। क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या चोक मार दिया जो तुम्हारी आत्मा इतनी प्रसन्न हो रही है कि हमारी मार के दर्द को चीरती हुई हंसी बाहर निकल आई? मुझसे दोस्ती कर ले, बहुत फायदे में रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा लालची मन तुझसे चीख चीख कर कह रहा है कि करोड़ों की इंफॉर्मेशन जो मैं तुझे देने वाला हूं वो चंद लाख रुपयों में किसी और के बिना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लो कर लो बात, मन मेरा और बात इससे कर रहा है। तुम्हें राजा ऐसा होता है? क्यों भाई लीडर सिंह, तुझे इसके मन की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो आपके अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं दे रही दीपक भाई। लेकिन मुझे इसके मन की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, क्या कह रहा है इसका मन? इसका मन कह रहा है कि मुझे मारो, तब तक मारो जब तक मैं बोलू ना। क्या आप शिवानी के माता पिता से पूछताछ करेंगे? माँ बाप से बच्चों की कोई बात छिपी नहीं होती है। ऐसी क्या बात हो गई वर्मा साहब? और मेरी आपसे एक गुजारिश है, शिवानी को आप इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा। गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, मेरा लड़ला ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया? जी डैडी। गुड, वेरी गुड। जाओ बेटा जाओ, मन लगा के काम करना। अच्छा डैडी। डैडी जी, मम्मी जी कहाँ हैं? बेटा वो शायद बाथरूम में होगी। अच्छा डैडी जी, मैं चलती हूँ।
मामी जी से कह दीजिए हाँ बाय जी तेरा खुश रहो यकीन नहीं होता कि इसका किसी हमें घर से बात करनी चाहिए गायत्री गौरव शिवानी से बात करने से पहले यह जरूरी है कि हम बात की तह तक पहुंचे और यह जाने की हकीकत क्या है यह यश कौन है पर यह हमें कौन बताएगा शिवानी के माता पिता क्या आप शिवानी के माता पिता से पूछताछ करेंगे हाँ गायत्री माँ बाप से बच्चों की कोई बात छिपी नहीं होती है और फिर कपूर साहब अपने ही तो हैं बिगानों से पूछताछ करके अपनी बहू की जगह सही कराने से तो बेहतर है कि हम अपनों से मालूमात करें हो सकता है कपूर साहब से बात करके हमें अपने सारे सवालों को जवाब मिल जाए सोच लीजिए कहीं बात उलट न जाए मैंने सोच लिया गायत्री हेलो कपूर साहब हवलदार जगदीश वर्मा का सलाम कबूल हो ओहो समधी जी कैसे हैं भाई सच पूछो तो सुबह सुबह आपकी बड़ी याद आ रही थी और फिर शतरंज की पिछली हार का बदला भी तो चुकाना है सोचा था कि आपको फोन करके आपसे मिलने चला हूं इसी बहाने खेल भी हो जाएगा और भाभी के हाथ के पकौड़े भी खा लूंगा तो बस ठीक है कपूर साहब आप भाभी को लेके दोपहर को हमारे यहाँ आ जाइए और मैं मैदानी जंग तैयार करवा रहा हूँ वर्मा साहब दोपहर की जगह शाम को आ जाता हूं सारे काम निपटा कर नहीं कपूर साहब आप दोपहर को ही आए तो बेहतर होगा मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है बहू की मौजूदगी में मैं वो आपसे बातें कर नहीं सकूंगा दोपहर को बहू ऑफिस में होती है तो खुल के बातें हो जाएंगी और मेरी आपसे एक गुजारिश है शिवानी को आप इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा ऐसी क्या बात हो गई वर्मा साहब सब ठीक तो है ना हाँ हाँ कपूर साहब सब ठीक है आप चिंता मत कीजिए कपूर साहब मैं आपको समझी नहीं अपना दोस्त समझता हूँ इसलिए आपसे दिल की बात करना चाहता था आप आइए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ ठीक है वर्मा साहब हम पहुँचते हैं लोग आ रहे हैं तुम चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा हाँ भाई कौन है तू पहले तो कभी नहीं देखा करतारा नाम है जनाब मेरा इस शहर में नया आया हूँ लोग बोले शहर के कि गरीबों का हमदर्द एक ही है इस शहर में वो है सुपरवाइजर भाई जी का सुपरवाइजर तो जनाब मैं आ गया आपके पास मैं ट्रक बहुत अच्छा चलाता हूँ जनाब लॉरी नंबर 101 से 201 कल रात माल लेकर जाएगी 850 से 950 परसों सुबह लोडिंग के लिए जाएगी समझ गए और परसों सुबह से ही तुम लोगों के ओवरटाइम का पेमेंट शुरू हो जाएगा 9 बजे आकर अपना अपना हिसाब कर लेना और अपने साथियों को भी बतला देना छोटू तुम नोटिस लगा दो और सबको चलो अपने अपने काम पर बहुत वर्कलोड है चलो जल्दी चलो भाई जी ट्रांसपोर्ट जी सुपरवाइजर साहब बिजी है जी होल्ड करियो मैं देखता हूँ जी सर आपका फोन इंश्योरेंस वाले का है जी
तू कौन है भाई? वो तो मैं बताता हूँ जी, इंश्योरेंस वाले का फोन है, बात तो कर लो। हेलो सिन्हा साहब। हाँ जी, आपके इंश्योरेंस के चेक बने पड़े हैं, आप कभी भी आके ले जाइएगा, ठीक है जी? हाँ भाई, कौन है तू? पहले तो कभी नहीं देखा। करतारा नाम है जनाब मेरा, इस शहर में नया आया हूँ। लोग बोले शहर के कि गरीबों का हमदर्द एक ही है शहर में, वो है सुपरवाइजर, भाई जी का सुपरवाइजर। तो जनाब मैं आ गया आपके पास, मैं ट्रक बहुत अच्छा चलाता हूँ जनाब, बस मुझको नौकरी दे दो जनाब। नहीं नहीं, हमारे सारे ट्रक भी ड्राइवर हैं, चल निकल, हमें ड्राइवर नहीं चाहिए, और वैसे भी बिना पहचान के हम काम नहीं देते। ओ जनाब, माई बाप पहचान होने में कितना टाइम लगता है जी? मैंने कहा ना नहीं है काम, हमारे सारे ट्रक भी ड्राइवर हैं। तो एक और खरीद लो जनाब, आपके पास कौन सी कमी है? मुझे बड़ी जरूरत है जनाब काम की। आप कहोगे साइन पूरी पेमेंट पे करूंगा और लूंगा आधी। मतलब एक ड्राइवर को क्या देते हो जनाब? 800। ठीक है, मुझसे साइन कराना 800 के वाउचर पर और देना मुझे 400। तुम हमें रिश्वत देता है? जनाब रिश्वत कैसी, मैं तो धंधा कर रहा हूँ, धंधा बिजनेस। मैं कल आता हूँ, आप एक ट्रक तैयार रखना, मुझे काम की बहुत जरूरत है जनाब। वर्मा जी जल्दी बताइए, बात क्या है? हाँ भाई साहब, जब से इन्होंने बताया है कि आप शिवानी के एब्सेंस में हमें मिलना चाहते हैं, तब से मन बहुत परेशान है। क्या शिवानी ने कोई गलती की है? देखिए कपूर साहब, अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, शिवानी पर तोहमत या लाछन लगाने की नीयत से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिवानी मेरी बेटी है और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर है। वर्मा साहब, पहली बात बुझाइए, साफ साफ बताइए बात क्या है। आप किसी यश नाम के लड़के को जानते हैं? जी नहीं, लेकिन यश कौन है और शिवानी का उससे क्या लेना देना? पिछले कई दिनों से यश यहाँ बार बार फोन कर रहा है। किस लिए? शिवानी से फोन पर बात करने के लिए, जो उसे मौका नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो उसका कोई दोस्त हो। अगर यश का फोन आने पर आपने शिवानी को देखा होता, उससे बात न होने पर उसकी बेबसी और बेचैनी देखी होती, तो एक औरत होने के नाते आप जरूर समझ जाती कि यश शिवानी का सिर्फ दोस्त नहीं है। आप कहना चाहती है कि यश शिवानी का? यश शिवानी का प्रेमी है। बहुत सोचने समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिवानी किसी यश नाम के लड़के से प्यार करती थी और आज भी प्यार करती है। आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं बहन जी, बहुत सोचने समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिवानी किसी यश नाम के लड़के से प्यार करती थी और आज भी प्यार करती है। शिवानी की गौरव से शादी एक समझौता थी, महज एक समझौता। और समझौते की बैसाखियों पर लंगड़ाती हुई जिंदगी कभी भी गिरकर टूट सकती है, टूटकर बिखर सकती है। हम नहीं चाहते कि गौरव या शिवानी में से किसी की भी जिंदगी एक दूसरे के लिए बोझ बन जाए। लेकिन गौरव ने खुद मुझसे कहा है कि वो शिवानी से प्यार करता है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका बाप है। इसका मतलब ये हुआ
कि शिवानी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी? जी हाँ, शिवानी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर ही इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। गौरव ने खुद मुझे हॉस्पिटल में कहा था कि वो शिवानी से प्यार करता है। शिवानी के पेट पे जो बच्चा पल रहा है वो उसका बाप है। गौरव के मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो बच्चों से गलती हो गई है, लेकिन लेकिन उनकी नींद तो ठीक थी, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गौरव का शादी से पहले शिवानी के साथ अफेयर था? जी हाँ। लेकिन गौरव तो शादी से 10 दिन पहले तक 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए ऑटो स्टेशन था, क्या शिवानी भी? जी नहीं, शिवानी तो पिछले 2 साल से 1 दिन के लिए भी बंबई से बाहर गई नहीं। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि शिवानी के पेट में यश का बच्चा था? तो फिर गौरव ने उस बच्चे को अपना नाम क्यों दिया? इन्हीं सब सवालों का जवाब तो हमें ढूंढने हैं। ये यश कौन है, कहाँ रहता है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है ताकि हम दोनों मिलकर इन सवालों के तह तक पहुंच सकें और फिर कुछ ऐसा फैसला लें जो दोनों बच्चों के हित में हो। धन्य हो वर्मा साहब, धन्य हो। काश हर बहू को आप जैसे सास और ससुर नसीब हो। सास ससुर नहीं कपूर साहब, माँ बाप। शिवानी अब हमारी बेटी है, आप तो बस यश का पता लगाइए। शिवानी का फोन। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ऐसे में मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ थामा। एक बिन बिहाई माँ से उन्होंने शादी कर ली और मुझसे ये वादा किया कि यश के मिलते ही वो मुझे यश को सौंप देंगे। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर। I'm not afraid.